दोस्तों, आप परवल कई तरीकों से बनाए होंगे और खाए भी होंगे, लेकिन आज मैं आपके साथ ऐसी एक परवल की रेसिपी शेयर करने वाली हूं जो कि आपको भी पसंद आएगी और आपके फैमिली को भी पसंद आएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा और पूजा फूड ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए आज की ये खास रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिए हैं परवल, और परवल बिल्कुल ताज़ी ताज़ी है दोस्तों। तो सारे परवल को हम छील लिए हैं, लेकिन एक परवल को मैं रखी हूँ, तो इसको दोनों तरफ का हम काट लेंगे और चाकू से इसी तरीके से हम इसको छील लेंगे। ये बहुत ही आसान तरीके से छिला जाता है दोस्तों। ये जो परवल का जो रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ दोस्तों, एक चम्मच तेल में आप इतना सारा परवल का जो आइटम है आप बना लीजिएगा। तो देखिए, मैं इसको धो ली हूँ, तब तक परवल जो हमारा है ये सूख रहा है। तो यहीं पर मैं क्या करती हूँ कि 100 ग्राम बेसन को हम भूंज लेते हैं। बिना तेल बिना घी का आपको बेसन को भूंजना है। बेसन भूंजिएगा इसलिए क्योंकि बेसन जो है ना हिरियाइन और कच्चाइन लगता है, इसलिए थोड़ा सा आप इसको भूंज लीजिए एकदम मीडियम आंच पर। तो बेसन हमारा जो है दोस्तों भूंजा गया है, और बेसन जब तक ठंडा हो रहा है तब तक हम यहाँ पे परवल को क्या करते हैं, बीचों बीच काट लेते हैं। और आप कभी भी चम्मच के पिछला हिस्सा ले करके आप उसको निकालिए। अगर चाकू से निकालिएगा दोस्तों उसका बीज, तो परवल जो है कटने का और टूटने का ज़्यादा चांस रहेगा। तो सावधानी पूर्वक आप सभी परवल को ऐसे ही निकालिए। अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है दोस्तों, तो आप उसके अनुसार से आप खाना बनाइए और उसके अनुसार से मसाला तेल लगाकर खाइए, ताकि हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहे। तो यहीं पर हम सारे परवल का बीज जो है निकाल लिए हैं, और ये बीज को है दोस्तों फेंकना नहीं है, क्योंकि इसमें जो पका पका बीज है ना आप उसको निकाल दीजिए, क्योंकि वो ज़्यादा कड़ा लगता है। और बाकी सारे बीज को हम क्या करेंगे आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तब तक मैं यहाँ पर ले लेती हूँ एक कटोरा, और कटोरा में मैंने ले लिए 3 उबला हुआ आलू है, और इसको हम क्या करेंगे ना, आलू को मैश देंगे। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और बहुत ही इजी है, और कम तेल में मात्र एक चम्मच तेल में बन के रेडी हो जाएगा, और खाने में इतना स्वादिष्ट लगता है, आप कभी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये जो परवल का जो बीज है ना, इसको हम क्या करेंगे मिक्सर में डाल करके मात्र एक बार घुमाएंगे, ज़्यादा में ही नहीं पीसना है दोस्तों। तो ये देखिए ऐसा ही कुछ पीसना है, दरदरा टाइप का, ज़्यादा में ही मसाला जैसा नहीं पीसना है। तो इसको अब हम आलू में डाल देंगे। दोस्तों ये रेसिपी आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और यहीं पर मैं हल्दी पाउडर भी डाल देती हूँ, और यहीं पर मैं दरदरा मिर्चा पाउडर भी डाल देती हूँ। अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है, मसाला हिसाब से खाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ चाट मसाला, आपके पास अगर चाट मसाला नहीं है तो आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। और यहीं पर मैं आधा से भी कम चम्मच गर्म मसाला डाली हूँ, और यहाँ पर हम स्वाद के अनुसार से नमक डाले हैं। बस दोस्तों अभी के लिए इतना मसाला काफ़ी है, बहुत ज़्यादा मसाला नहीं डालना है। और ये है हमारा बेसन जो हमने फ्राई करके रखे थे, तो उसको भी मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। ये सारे को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये एक ऐसा रेसिपी है दोस्तों कि इसमें तेल भी कम लगता है, मसाला भी कम लगता है, और बनाना भी बिल्कुल आसान है, और खाने में मत पूछिए ही मत, इतना टेस्टी है, इतना लाजवाब है कि आप हफ्ते में 4 दिन आप ज़रूर बनाइएगा, या जब तक परवल रहेगा ना तब तक ये रेसिपी आप ज़रूर बनाकर खाइएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा ले करके इसके परवल के जो अंदर है ना, जो हम कटिंग किए हैं, हम भर लेते हैं। आप इसको बना करके आप हफ्ते दिन तक मतलब फ्रिज में रख के खा सकते हैं दोस्तों। इसमें लहसुन प्याज नहीं डाला गया है, तो ये ज़्यादा लंबा टाइम तक रहेगा। लहसुन प्याज वाला जो सब्जी होता है वो जल्दी ख़राब हो जाता है, तो आप बेफिक्र होकर बनाइए और इसको एंजॉय करिए। तो सारे हम परवल को हम भर लिए हैं, अब हम रख देंगे कढ़ाई, और कढ़ाई में मात्र एक चम्मच तेल डालिए। एक चम्मच तेल दोस्तों ये काफ़ी है। तो इसको हम क्या करेंगे, सरसों का तेल है तो कढ़ाई के चारों तरफ हम घुमा लेंगे। इससे क्या होगा, जो तेल जो है ना सभी जगह फैल जाएगा, तो चिपकेगा नहीं, और सरसों तेल का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा। और आंच को कर दे एकदम लो फ्लेम पर, क्योंकि तेल का जो छीटा है नहीं तो बाहर निकलने लगेगा हाई फ्लेम पर। और इसको हम सारे को डाल देते। तो दोस्तों डालने के बाद ना हम इसको 2 मिनट तक ऐसे ही छोड़ेंगे, ताकि जो अच्छे से है पक जाए। और हर 2 मिनट पर इसको क्या करेंगे, हैंडल पकड़िए इसका, हर 2 मिनट पर इसको अलट पलट करेंगे, ताकि चारों तरफ से जो है अच्छे से पके, नहीं तो एक तरफ दोस्तों जल जाएगा। तो हम इसको तब तक ढक्कन से ढक देते हैं, क्योंकि तेल का जो है छींटा पड़ रहा है। तो देखिए ऐसे ही हम चारों तरफ से पकाएंगे, देखिए कितना सुंदर ये चीटी आने लगा। दोस्तों स्टील का कढ़ाई है तो थोड़ा बहुत चिपकेगा, तो कोई बात नहीं है। नॉन स्टिक का कढ़ाई नहीं है तो
नॉन स्टिक का बर्तन में बनाने से हमारे लिए हानिकारक होता है। मैं नॉन स्टिक का बर्तन दोस्तों नहीं यूज करती हूँ और सभी को हम छोलने से पलट पलट लेंगे। जिधर पका है उधर कच्चा पका देख करके इसको हम पलट पलट के पका लेंगे। ये आराम से ना 10 से 15 मिनट में बन के रेडी हो जाएगा। और एक साथ इतना सारा बन रहा है, वो भी एक चम्मच तेल में और इतना कम मसाला में, तो देखिए कितना ये सॉफ्ट हो गया है ना, बन के रेडी हो गया है। दोस्तों आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, आपके और आपके फैमिली को ज़रूर पसंद आएगा। और देखे ही हैं मसाला कितना कम है, तेल कितना कम है, तो ये बहुत ही इस गर्मी के दिनों के लिए ये रेसिपी बहुत ही परफेक्ट है। जब तक परवल है तब तक आप बना करके इसे इंजॉय करिए आप। दोस्तों अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और फैमिली और फ्रेंड में ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए। और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मैं आपसे मिलती हूँ एक अलग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।